ये जो क्वेश्चन है जोर भट्टा, ये क्वेश्चन आपका 6 और 7 में भी था, लेकिन जो मेनली हम लोगों को काम करना है, सबसे ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देना है, वो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हमको किस पे काम करना है बच्चों, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यानी अब हमको सीनियर क्लास का जोड़ घटाव को कभी दिक्कत नहीं होगी, यानी सीनियर क्लास तक हमको एक ही चीज पर ध्यान देना है, वो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब रहा सवाल कि हम मल्टीप्लाई कैसे, तो बच्चों याद रखना, सबसे पहले हमने अपने सुविधा के लिए, फॉर आवर कॉन्वीनियंस, हम अपने सुविधा के लिए हमने कुछ मल्टीप्लाई का एक रूल बनाया, मल्टीप्लाई करने का एक रूल बनाया। तो देखिए, आप भी इस रूल के जरिए सटीक बनाएंगे, कभी गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा दिन आपको इस मेथड में बनाना है, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत अच्छे सवाल जब बना लेंगे, तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या था, ध्यान से सुनिए, मल्टीप्लाई का रूल क्या था, मल्टीप्लाई का रूल है होगा, सबसे पहला हमको किसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना है, सबसे पहले आपको किसका गुना करना है, साइन का गुना करना है। किसका गुना करना है, साइन का। साइन मतलब तो आप जानते हैं, प्लस और माइनस, और होगा आपको पता है कुछ रूल होते हैं साइन का, जो बचपन में सीखा है आपने, कि अगर आपने प्लस गुना प्लस किया तो आंसर प्लस में आता है, और अगर माइनस गुना माइनस किया तो भी आंसर प्लस में आता है, और अगर माइनस गुना प्लस किया, अलग अलग साइन किया, तो माइनस आता है। यानी अगर आप गुना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको साइन का गुना करना है, बड़ी आराम से, बहुत ज्यादा शांत रहकर, दिमाग, मैथ और साइंस, मन की स्थिति को एकदम शांत रहेगा, तभी आपको क्वेश्चन बनेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है कि शांत रहें, ना मोबाइल देखते हुए मैथ्स बनाना है, ना टीवी देखते हुए बनाना है, एकदम शांत मुद्रा में जब आप रहें, मन करे मैथ्स पढ़ने का, तभी बनाएं। तो उसमें आपको सबसे पहला स्टेप क्या होगा, साइन का गुणा करना है। दूसरा स्टेप है, होगा दूसरा स्टेप है वेरिएबल का गुणा, यानी दूसरा स्टेप है वेरिएबल का गुना, है ना, दूसरा स्टेप है ना, सॉरी, साइन के बाद नंबर का गुना, यानी पहले नंबर का गुना कर देना है, जैसे कि अगर मान ये 3 है और 2 है तो सीधे लिख देना है 6। एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, यानी नंबर का गुना पहले किसको करेंगे, साइन का गुना, दूसरा किसको करेंगे, नंबर का गुना। नंबर का गुना तो आपको आता ही है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पर बच्चे फंस जाते हैं, जो आपको पढ़ाया गया था, उसका नाम याद कीजिए, एक्सपोनेंट। क्यों पढ़ाया गया था एक्सपोनेंट, क्योंकि जब सेम बेस रहेगा तो गुना उसका पावर क्या हो जाता था, ऐड हो जाता था। तो यानी अब आपको किसका गुना करना है, वेरिएबल का गुना करना है। किसका गुना करना है, वेरिएबल का। लेकिन इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे कीजिएगा, जैसे अगर एक्स इंटू एक्स है तो होगा इनको बेस सेम हो गया, तो यहाँ 1 और 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मेरी बात समझ आ रही है, अगर एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है इंटू एक्स क्यूब है, तब कैसे करेंगे, ये एक्स बेस सेम है, तो 3 और 2 एक्स का पावर 5 और वाई का पावर 1। मेरी बात समझ आ रही है, यानी गुना आपको कौन मदद कर रहा है, एक्सपोनेंट। जैसे अब लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब वाई जेड, ऐसे तो कैसे गुना करिएगा, बेस सेम देखना है, एक्स एक्स सेम है, 3 और 2 5 एक्स का पावर 5, जेड जेड सेम है तो 2 और 1 यानी जेड का 3, और वाई वाई सेम है तो 3 और 1 4। मेरी बात समझ में आएगी, और अगर कोई सेम नहीं है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, जैसे एक्स वाई वाई का पावर 3। अब जैसे यहाँ पर देखिए कोई सेम नहीं है, तो जब कोई सेम नहीं है तो आपको गुना करके पावर थोड़ी जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ एक्स है इधर कहीं है नहीं, यहाँ वाई है इधर कहीं है नहीं, जेड है इधर कहीं है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड।
मेरी बात सुन रही हो, यानी इसमें आपको भरपूर कोशिश करनी है। किसका यूज करें आप? एक्सपोनेंट का। तो बच्चों ये है आपका मल्टीप्लाई। आइए हम लोग इस पर कुछ सिंपल सिंपल पहले क्वेश्चन देखेंगे, आप फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देंगे। और बच्चों ध्यान देना है कि एक बार भी आप इस रूल को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि शुरू में आपको ये लगेगा कि सर आप बच्चे की तरह सिखा रहे हैं। नहीं होगा, आप बच्चे ही हैं अभी। आप बच्चे में जितना आपका बेस मजबूत होगा उतना ही आपका प्लस साइन का गुना कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉपी बड़ी सुंदर और सटीक रहे तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा दूसरे के लिए, समझ रहे? और जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा अपने आप आपका समय भी बचेगा। आइए हम पहले आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा बउआ, ये ध्यान से समझिए बउआ, यहाँ ध्यान दीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ देखिएगा सब, पहला एकदम इजी वाला क्वेश्चन है बउआ, एकदम इजी वाला क्वेश्चन। 3xy गुना करना है -2x से, कितना आसान है, उस नियम से चलिए बउआ। अगर आप बहुत स्मार्ट है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब आपका मान लीजिए कि आप कमजोर बनना चाहते हैं कमजोर रह जाइएगा। हमको नहीं पता, हम भी एक मिनट में आंसर लिख सकते हैं, नहीं पता है, लेकिन हम अपने रूल से मैं काम करेंगे बउआ। हमारा रूल में क्या कहा था मैंने आपको कि पहले साइन का गुना करो, पहले किसका गुना करो? साइन का। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस। देखिए हम कितना धैर्य से बना रहे, कितना धैर्य से, क्या हो जाएगा हमको थोड़ा समय लगेगा तो कम से कम काटफूट तो नहीं होगा, कॉपी गंदा तो नहीं होगा। तो यहाँ पहले देखिए स्टेप क्या है, पहले साइन का गुना, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस। दूसरा स्टेप है नंबर का गुना, तो नंबर है यहाँ 3, यहाँ है 2, तो ये हो गया 6। क्लियर है बुआ? उसके बाद है बुआ वेरिएबल का गुना, तो यहाँ x का पावर है 1, यहाँ x का पावर है 1, तो हो गया x2, यहाँ y है, यहाँ नहीं है, तो जैसा है वही आंसर। कितना इजी समझ में आया बोलिए, नहीं समझ में आया? अच्छा अब थोड़ा सा हम डरा रहे हैं आपको, देखिए दूसरा में मान लीजिए अब दिया है -3/2 x2y2 गुना है ना 2 है और ये 16 अब बट्टा 27 है ना, और यहाँ दे दिया x³y ऐसे दे दिया। क्लियर है नंबर? अब आपने क्या किया, आपको ये सवाल डरा इसलिए रहा है, इसलिए रहा डरा क्योंकि आपको अपने रूल पर ही विश्वास नहीं है, है ना? तो रूल पे विश्वास नहीं होगा तो आप कितना बना पाएंगे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन का खत्म। आइए हमारे साथ चलिए, डर कम लगेगा। पहले मैंने क्या रूल बताया है बोलिए, पहला रूल क्या है, साइन का गुना, इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब हमको क्या करना था, नंबर का गुना, तो नंबर है ये और ये, अब ये चूंकि बड़ा बड़ा नंबर है तो डायरेक्ट इसकी तरह तो आपने गुना करके नहीं लिख लीजिएगा, अब आप क्या करिएगा बड़ा बड़ा नंबर को सॉल्व करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो एक साथ लिख देंगे 3/2 गुना 16/27 हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हमको किसका गुना करना है, वेरिएबल का, तो एक्स यहां भी है, एक्स यहाँ भी है, 3 + 2 कितना हो जाएगा 8 और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। क्लियर है? इसको कटाएंगे 3 × 3 = 27 और 2 × 8, अब यहाँ आंसर आ जाएगा -8/9 x^5 / 3। कितना इजी लग रहा है बोलिए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, मन लग रहा है समझने में? अब हमको काम क्या करना है, अब देखिए होगा है, देखिए फिर गड़बड़, अब आपको करना क्या है, ये तो बहुत इजी लग रहा है, अब आपके अंदर का डर निकालना है। देखिए आपको याद होगा 3 और 2 को अगर कोई कहे कि बुआ इससे गुना करना है तो आपको खराब लगेगा, आपको लगेगा कि सर आप ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, है ना, क्या मैं इस गुना को नहीं बना सकता हूँ, क्लास 8 में मैं पढ़ रहा हूँ, आप शायद भूल रहे हैं, ये सब मन में आएगा आपके, है ना। लेकिन अगर आप इसको जानते तो शायद आपको इसका भी डर जीवन में कभी नहीं लगना चाहिए था, इसका भी डर आपको कभी नहीं लगना चाहिए था, कारण क्योंकि आपको पता है कि जैसे इसमें है वैसे इसमें है, यहां भी 2 टर्म है, है ना, और यहां भी 2 टर्म है,
मैंने बताया था ना कि टर्म कैसे अलग होता है, प्लस और माइनस, याद है ना। और यहाँ भी गुना एक टर्म से करना है और यहाँ भी गुना एक टर्म से करना है ना। तो इसमें आप कौन सा नियम लगाते थे याद कीजिए, इसी से इसको भी गुना करते थे और इसी से इसको भी गुना करते थे कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको इसमें भी गुना करना पड़ेगा और इससे आपको इसमें भी गुना। देखिए तो एकदम सेम है कि नहीं, वही बच्चा वाला कॉन्सेप्ट इसमें, अतः हम लोग घबरा जाते हैं। अब जब आपको पता चल गया कि इसको इससे गुना करना है तो फिर आप नियम तो वही ना रखिएगा, नियम तो वही रखिएगा। गुना करने के लिए नियम इतना ही है बस, और कुछ नहीं। तो बोला आप इसको गुना करिए तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो साइन का गुना प्लस 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 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए नंबर का गुना, तीन दूना छह, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा बोलिए, अब यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिक्स एक्स स्क्वायर आ गया। अब फिर इसका इससे गुना करना है ना, तो फिर यहाँ प्लस 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 फिर गुना तीन गुना छह और यहाँ एक्स और यहाँ, अब समझ में आ रहा है, गुना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको तरह तरह से आएगा, बाकी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई डराएगा, कहेगा 3x से 5x स्क्वायर 5xy माइनस 2x क्यूब ऐसे दिया, तो क्या हम डर गए, नहीं। क्या मैं ये सवाल किस तरह का है बोलिए, बचपन के तीन अंक का, जैसे 1, 2, 3 को अगर 3 से गुना करना हो तो क्या करेंगे बोलिए, 3 से 3 में, फिर 3 से 2 में और फिर 3 से 1 में, तो क्या यहाँ भी तीन टर्म है कि नहीं। इसका मतलब पहले मुझे इसको इससे करना पड़ेगा, पहले इसको इससे करना होगा, फिर इससे करना होगा, फिर इससे करना होगा। तब होगा इसको गुना करिए तो आइए तो प्लस 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 लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर 5 दिया 15 और फिर एक्स का क्यूब, आ रहा है ना समझ में। तो रूल नहीं छोड़ना है, रूल जैसे ही छोड़े आपके मन में थोड़ा भी घमंड आया कि अब हम बहुत तेज हो चुके हैं, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, उस दिन आप फिर कमजोर होते चले जाइए। इसीलिए इंसान को कभी अपनी अतीत को नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप कितना भी बड़ा हो जाए अपनी अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अतीत ही आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है सब चीज से लड़ने के लिए, अपनी स्थिति अपने सिचुएशन सबसे आपको लड़ने की ताकत आपकी अतीत ही आपको प्रोवाइड करता है। इसीलिए नियम को नहीं छोड़िए, नियम छोड़िएगा तो धीरे 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 आप वापस उसी स्थिति में चले जाएंगे जैसे स्थिति में आज से 10 मिनट पहले आप थे, आई थे। अब इसको गुना कर कितना स्पीडली अब आप बोलने लगे, लेकिन आपके मन में अगर जैसे ही देखा अब तो स्पीड में बना गए, नियम छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ जाएगा। आइए प्लस 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 5 दिया 15 एक्स क्यू, आप ये देखिए प्लस 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 5 दिया 15 एक्स और एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस माइनस माइनस 3 गुना 6 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत आई, ओके बोलो।